तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग हैं साल 2021 में, और 2021 के मेरे जितने भी वीडियोस अभी आते हैं उसमें वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैं जब कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें कई सारे कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि क्या मनोज भाई 2021 में पॉसिबल है कि हम एक यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूबर बनने का मतलब ये है कि अच्छा खासा यूट्यूबर बन सकते हैं या नहीं, आप सबका काफ़ी सारा कमेंट्स आता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो टॉपिक जो है इसी पर है। मैं बात करने वाला हूँ क्या 2021 में यूट्यूबर बनना आसान है, या क्या बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर क्या आप बन पाओगे या नहीं, यहाँ पर सक्सेस करना इम्पॉसिबल है या फिर पॉसिबल है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। और यहाँ पर आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर करूंगा, साथ में आप लोगों को कुछ नॉलेज भी दूंगा कि आपको 2021 में आखिर क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपका चैनल अच्छा खासा बूस्ट हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो जिस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर सबसे जो पहला डाउट आप सबके मन में होता है वो होता है कंपटीशन को लेकर। ये डाउट जो है कॉमन सा चीज़ है, सबके मन में होगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग सामने जो है YouTube पे आप लोग देखते होंगे कई सारे YouTube क्रिएटर अभी अच्छा खासा मुकाम हासिल करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो उस पर हजारों ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। आप जिस भी कैटेगरी का चैनल खोलना चाहते हो उसमें हजारों उसी कैटेगरी के चैनल खोले हुए हैं, और यहाँ पर महारथी दिग्गज बैठे हुए हैं। तो क्या आपका सक्सेस करना पॉसिबल है? तो यहाँ पर मेरा दोस्तों ओपिनियन, मैं आपका खुद का बताऊँ तो दोस्तों, देखिए कंपटीशन बोल के कभी भी नहीं होता। ना ही कंपटीशन 2016 में था, ना ही 17 में था, ना ही 18 में था, ना ही 19 में था, ना ही 20 में था, ना ही 21 में है। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन कहाँ पर होता है? कंपटीशन तब होगा ना जब आप कमज़ोर रहोगे, आपके अंदर में टैलेंट नहीं रहेगा, आपके अंदर में जुनून नहीं रहेगा, जज्बा नहीं रहेगा, वहीं पे कंपटीशन हार्ड होता है। मान लीजिए आपका कोई वैकेंसी निकला है जॉब के लिए, वहाँ पर मान लीजिए कि 1000 सीट्स है, लेकिन वहाँ पर लाखों लड़के जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लेकिन डर किन्हें लगता है कि मेरा जॉब सिलेक्शन नहीं होगा? जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं मेहनत करते हैं। बाकी जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो 100% अपना एफर्ट देते हैं, जो मेहनत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हर एक चीज़ को पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनके मन में कोई डर नहीं रहता। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना वैकेंसी है नहीं है, वो कहीं ना कहीं से एक सीट ले ही लेता है। तो सेम सीन यूट्यूब पे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ भी वैकेंसी निकला हुआ है, ये भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डर उन्हीं को लगता है जो मेहनती नहीं हो। जिनके अंदर में कोई खास बात नहीं हो उन्हें डरना चाहिए। बाकी अगर आप मेहनती हो, आप स्ट्रगल करना जानते हो, आपको मेहनत करने में अच्छा लगता है, आप काम पे फोकस करते हो, तो आपके सामने कंपटीशन बोल के कोई चीज़ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन जब मैं भी यूट्यूब पर आया था तब भी था और आज भी है, मतलब मानो तो कंपटीशन है, नहीं मानो तो नहीं है। आप में अगर कुछ अलग बात है तो आप कितना भी कंपटीशन रहे आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। टैलेंट कोई ना कोई रास्ते से आगे निकल ही जाता है, बाहर आ ही जाता है। तो सबसे डाउट पहला कि कंपटीशन को लेकर तो कभी सोचना ही नहीं है कि कंपटीशन है या नहीं। अब दोस्तों दूसरा डाउट आप सबके मन में ये होता होगा कि यार कौन सा चैनल खोले जो 2021 में जल्दी ग्रो कर जाए। ठीक है, ये डाउट भी आप लोगों के मन में होता है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, सबसे पहली बात कि चैनल आप कौन सा खोलोगे ये आप पे ही डिपेंड करता है। और ऐसा मत देखना कि किस कैटेगरी पे ज़्यादा अर्निंग है, जिसमें ज़्यादा अर्निंग है वो कैटेगरी का मैं चैनल खोलूँगा, ऐसा नहीं। आपको देखना ये है कि आपके अंदर में क्या ऐसी खास बात है, आपके अंदर में क्या ऐसा टैलेंट है जिसको आप लोगों तक पहुँचा सकते हो और आप उस पर लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि YouTube एक दिन दो दिन के लिए नहीं है। YouTube, आप जब YouTube पे आए हो तो आप ये सोच के आओ कि मुझे लाइफ टाइम करना है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर 3 साल हो चुका है इस चैनल पर वीडियो बनाते हुए, 850+ वीडियो मैं डाल चुका हूँ और अभी भी मुझे वीडियो पर डे बनाना पड़ता है और डालता रहता हूँ। तो 850 वीडियो टॉपिक मैं डाल चुका हूँ और अभी वीडियो कितने फ्यूचर में आएंगे इसका कोई गारंटी है नहीं। तो इतना कैसे मेरे पास दिमाग में आ जाता है टॉपिक? रीजन ये है कि मेरा इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉलेज भी इसी चीज़ में है, इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में है। मुझे यूट्यूब से नॉलेज देना, यूट्यूबर्स को हेल्प करना, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट है, इसीलिए टॉपिक की कभी कमी नहीं पड़ती है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए रहते हैं। और भी बताना चाहूँगा, जो भी वीडियो आज जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही मैंने शूट किया है। कई सारे वीडियोस पहले से शूट किया हुआ, शेड्यूल में किया हुआ रहता है, क्योंकि बिजी लाइफ है, अचानक से कहीं बाहर निकलना पड़ा तो वीडियो तो उस दिन आएगा नहीं। तो ऐसे में क्या करता हूँ कि 10-12 वीडियो ऑलरेडी टाइम टू टाइम शेड्यूल पे पड़ा हुआ रहता है चैनल पर, डेट वाइज टाइम वाइज ऑटोमेटिक से वीडियो पब्लिश होता रहता है। कई सारे यूट्यूबर्स जैसे बोलता होगा कि मैंने आज सुबह ये वीडियो बनाया और शाम को उसने ये वीडियो मेरा देख करके कॉपी कर दिया, कई सारे ऐसे सोचते हैं,
लेकिन वहां पर उनको ये समझना चाहिए कि क्या उनको क्या पता कि वो वीडियो आज शूट हुआ था या फिर कल शूट हुआ था या 10 दिन पहले शूट हुआ था। तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी बड़े क्रिएटर मान लो जो भी ज्यादा अच्छा सब्सक्राइबर बेस वाला यूट्यूबर है वो लोग कभी भी जिस दिन वीडियो आता है उस दिन शूट नहीं होता, ये आप लोग नोटिस करना। जो यूट्यूब रिलेटेड अपडेट आता है वो उसी दिन आ जाता है, लेकिन जो पहले जो टॉपिक वीडियोस होते हैं वो मैंने हमारा पहले से ही बना हुआ रहता है। अभी भी मेरे पास ऑलरेडी 15-20 वीडियो शूट किया हुआ, एडिट किया हुआ, पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। जब कहीं बाहर निकलना पड़ता है तो उनमें से कोई एक वीडियो लाइव कर दिया जाता है चैनल पर, ये होता है। तो ये थोड़ा सा मैं भटक गया राह से, बस ये मैं बता रहा था कि शेड्यूल करके रखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर में क्या इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट के हिसाब से ही चैनल खोलना है। अर्निंग देख करके, दूसरे को देख करके चैनल नहीं खोलना है, आपको अपने मुताबिक ही चैनल खोलना है। ये दूसरा डाउट, किस कैटेगरी का चैनल खोलोगे तो आपको अपने कैटेगरी का खोलना है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या बेस्ट है, तो बेस्ट कैटेगरी अभी जो है YouTube इंडिया पे जो ट्रेंड कर रहा है वो है व्लॉग्स। व्लॉग्स चाहे वो मोटो राइड ब्लॉग हो, राइडिंग ब्लॉग हो, ट्रेवल ब्लॉग हो, लाइफस्टाइल ब्लॉग हो, काफ़ी तेजी से चल रहा है। आप लोग देखते ही होंगे, खुद आप लोग देखते होंगे, व्यूज़ काफ़ी अच्छा आता है व्लॉग्स पे। तो मेरा ये ओपिनियन था, मैंने बता दिया। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ब्लॉग्स भी बना सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड नंबर की ओर, जो आपके मन में डाउट होता है। तो थर्ड नंबर का डाउट ये है कि अभी 2021 में क्या कैमरा ले लेना जरूरी है, एक अच्छा सेटअप होना जरूरी है, वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर होना जरूरी है? तो इसका आंसर मैं करूँगा हाँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप जो चैनल कैटेगरी का चैनल खोलोगे, आप लोगों को मैंने जैसे फर्स्ट में ही बताया कि उस कैटेगरी पे ऑलरेडी ढेर सारा चैनल पड़ा हुआ है, तो फिर लोग आपका वीडियो क्यों देखेगा? तो यहाँ पर बात आती है कि आप कितना एफर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एफर्ट करना है मतलब कर सकते हो, आप कैमरा खरीद सकते हो, तो कैमरा ऑब्वियसली खरीद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी सड़ने वाला चीज़ नहीं है। आप घर पर रखोगे तो उसमें आप फोटोशूट भी जरूर कर सकते हो। तो अगर आप सकोगे तो ही खरीदना, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके, ऐसा नहीं। अगर आप में है पैसे की कमी नहीं है, अगर पैसा का अच्छा खासा आपके पास इनकम सोर्स है कहीं से, तो आप आराम से कैमरा खरीद सकते हो, एक अच्छा सेटअप बना सकते हो, और जितना अपना आप क्वालिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। तब लोग आपको ज़्यादा वीडियो पे व्यूज़ आएगा, वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी क्वालिटी का ज़माना है। ठीक है, जो भी क्रिएटर है देखिए दिन ब दिन, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। खुद को भी इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। आज से 3 साल पहले मेरा जो सेटअप था वो आपको नहीं दिखता होगा, आज कुछ अलग है, आज से 1 साल पहले कुछ अलग था। तो ये करना जरूरी है। ठीक है, तो यूट्यूब पर अभी क्वालिटी आप ज़्यादा फोकस करें, जितना हो सके अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। एक बोया का माइक खरीद लें, एक ट्राइपॉड खरीद लें, कैमरा हो तो खरीदें, नहीं हो तो फ़ोन का कैमरा भी काफ़ी बेहतरीन होता है आजकल, उसमें नो डाउट। तो आप एक अच्छा फ़ोन अगर आपके पास है तो आप फ़ोन कैमरे से भी वीडियो बना सकते हो। 2 सॉफ्टबॉक्स खरीद सकते हो जो कि मेरे अभी आगे में लगा हुआ है, रिंग लाइट खरीद सकते हो जिससे वीडियो क्वालिटी बेस्ट आए। अगर आपको ये सब प्रोडक्ट आपको खरीदना है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा अच्छा है नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स का लिंक भी रहता है जहाँ पर मैं जिस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, तो आप चाहो तो उनको भी जाकर डायरेक्टली लिंक से परचेज भी कर सकते हो। तो ये था दोस्तों तीसरा नंबर का डाउट। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर। तो दोस्तों फोर्थ नंबर में ये है कि देखिए, ये डाउट नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि 2021 अभी आ गया है, काफ़ी सारा क्रिएटर है यूट्यूब पे, कंपटीशन भी है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि है कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन आपको नहीं रोक सकता जब आपके अंदर में वो टैलेंट है, मैंने जैसे फर्स्ट में बोला, लेकिन कंपटीशन है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कोई कुछ अलग करने की, क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ से अलग होना, तो भीड़ से अलग होने के लिए आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ कंसेप्ट सोचो जो यूट्यूब पे कोई ना कर रहा हो। अब आप बोलोगे भाई ऐसा तो कुछ पता ही नहीं है हमें, सब तो सब कर रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अलग जरूर कुछ ना कुछ होता ही। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर नया कुछ ना कुछ कंसेप्ट लेके आता है, तो आप भी चाहो तो दिमाग लगा सकते हो कुछ अलग करने की। और अगर कुछ अलग नहीं कर पा रहे तो आप उसी कैटेगरी के सेम क्रिएटर को देखो कि वो कैसे वीडियो बनाता है, और उससे अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश करो। इससे और कुछ अलग नहीं होता। मैं जैसे YouTube रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको भी YouTube रिलेटेड टॉपिक्स टिप्स पे ही वीडियोस बनाने हैं तो मेरे से बेहतर करना होगा, तो ही लोग आपके वीडियो देखेगा, नहीं तो क्यों देखेगा? मैं तो यहाँ पर बैठ के दे ही रहा हूँ ज्ञान। तो ये सीन हो जाता है। ठीक है, कुछ अपने आप को अलग करने की कोशिश करो। और चलते हैं फिफ्थ नंबर का, जो कि मैन, क्या यूट्यूब पे आना रिस्क है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल है रिस्क। कभी भी ये चीज़ मैं फर्स्ट से ही बोलता हूँ, हमेशा से बोलता हूँ कि यूट्यूब को सब कुछ छोड़ करके यूट्यूब पे नहीं आना है। आप जो करते हो उसको करते रहना है, YouTube के एज ए पार्ट टाइम ही स्टार्टिंग में करना है। जब आपको लगे कि आप अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिए हो, आपका अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, तब आप फुल टाइम YouTube पे दे सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। आप अगर एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, कम फोकस ही यूट्यूब पर करना है।
आप अगर कोई जॉब करते हो तो जॉब को करते रहना है, टाइम निकाल करके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कितना भी करे ये एक सोशल मीडिया है। जो टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉकर लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि टिकटॉक बैन होगा, लेकिन हो गया। उसी तरह यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया है। मैं यहाँ पर यूट्यूब का बैन होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर रिस्क तो है। आपका यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए किसी कारणवश 3 स्ट्राइक आ गया चैनल बैन, चैनल हैक हो जाता है आजकल, यूट्यूब खुद टर्मिनेट कर देता है, चैनल डिलीट हो जाता है। तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो रिस्क बोल के जो चीज़ है वो तो होता ही है, तो रिस्क यहाँ भी है। इसीलिए अपने काम को नहीं छोड़ना है, यूट्यूब को स्टार्टिंग में एज ए पार्ट टाइम ही करना है। आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें और यूट्यूब को एज ए पार्ट टाइम करें। टाइम निकाल करके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाइए, वीडियो डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं आपका पैसा लगता है ना कुछ लगता है, लगता तो है सिर्फ टाइम थोड़ा सा, तो यही करना है, रिस्क नहीं लेना है। सो आई होप गाइज आप सबको आज की ये वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, सारे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।